नमस्कार, मैं सदानंद पाल सदा टॉक चैनल के साथ। आइए, कुछ जैसे कि सुप्रभात व्यायाम या टहलना होती है, अभी संध्याकालीन जो व्यायाम या टहलना है आप लोगों का, और विश्राम अभी किए हुए हैं, और उम्र से नहीं लगता है कि आप जो है जरावस्था की ओर हैं, तो मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ, और उसके बाद ये पूछना चाह रहा हूँ कि जीवन का यह जो अवस्था है यह व्यायाम में ही कटेगी, या यह जो अवस्था है विरामावस्था है, या क्या चीज़ ये बताएं अपना परिचय। मेरा नाम सुशील कुमार यादव, सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य पहला। दूसरा है कि आप प्रश्न किया है कि यह जो उम्र है उसकी अवस्था में, अवस्था तो ये सुस्तता अवस्था है, उसमें कोई ये नहीं है कि उम्र के हिसाब से तो लगता है कि यह जो 67 वर्ष उम्र हो गया, और वो ऐसा नहीं लगता कि कार्य करने में जो क्षमता पहले थी वो अभी नहीं है। काट करने की क्षमता थी वो अभी नहीं। आइए हम मैं मोहन कुमार सिंह पटनी में इसको महाराज 2018 में सेवानिवृत्त हुए, और सेवानिवृत्ति के बाद लगता था कि जैसे कोई काम, लेकिन बहुत ही आनंद आ रही है। आनंद इस सेंस में कि हम लोग 5-7 आदमी ग्रुप जो है, हम लोग सुबह में कम से कम 2 घंटा एक साथ हम लोग टहल लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, बहुत इंजॉय होता है। शाम में भी 2 घंटा हम लोग निश्चित रूप से जो है घूम करके फिर ये प्लेटफॉर्म पर जो है बैठ करके, और आपस में बहुत तरह की राजनीति गप हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर तरह का टॉक करके आदमी अपना समय जो है निकालते हैं, और अच्छा आनंद आती है। यानी कि सकारात्मक या नकारात्मक? नहीं नहीं सकारात्मक जी जी और दूसरी बात, और ऐसे टीचर, लेकिन अभी भी ये है कि यदि कोई बच्चे अभी भी हमारे डेरा पर आते हैं तो हमारी ये रहती है कि बिना पैसा से कोई मतलब नहीं है, आकर के जिनको कुछ सीखना वो सीखते हैं, और आकर के उनको हम अच्छी तरह से जो है गाइड करते हैं। ये सभी मतलब हम लोगों के साथ ही, जो कि बहुत अच्छा हम लोगों का समय। मेरा नाम हुआ, मैं मनिहारी महाविद्यालय में भौतिकी विभाग का अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो वृद्धावस्था है वह विरामावस्था नहीं है। हम लोग में तो कहावत है कि 60-100 पाठा। हम लोग का अनुभव जो है, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, चाहे कुंवर सिंह हो, चाहे देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जितने लोगों ने काम किया है ये वृद्धावस्था में ही किया है, और इसमें पूरा एक अनुभव हम लोग का काम आता है, और हम लोग अपना साहस के साथ रचनात्मक कार्य करने का यही तो समय है। नहीं तो जवानी में और उसमें तो अपने भविष्य के बारे में लोग सोचते हैं, और रचनात्मक कार्य समाज का काम, राष्ट्र का काम जितना इस वृद्धावस्था में होता है, क्योंकि हम लोग अपना परिवार का काम कर चुके, बाल बच्चा का, अब देश समाज और राष्ट्र के लिए सेवा करना है, इसके लिए रचनात्मक कार्य करने का हम लोग को ऊर्जा मिलती है, इसीलिए हम लोग सुबह शाम अपना स्वस्थ भी रखते हैं। इसलिए वृद्धावस्था निराश होने की आवश्यकता नहीं है, यह आशा का संचार होता है, और यही सुनहरा जीवन का समय है जो समाज को हम कुछ दे सकते हैं। संकल्प शासन कॉलेज से रिटायर्ड गुरु प्रचार, रिटायर का मतलब नहीं होता है कि हम रिटायर करते हैं। रिटायर तब करते हैं जब शरीर जवाब नहीं देता, ड्यूटी को गॉड मानते हैं और काम करते रहते हैं, जिससे कुछ उत्पादन हो और समाज से बात होता है। ग्रामावस्था नहीं है रिटायर जब तक शरीर साथ है, बहुत आराम से बहुत अच्छा से समय कट रहा है, पता ही नहीं चला कि 66 साल के हो गए, और अभी समाज में घुस देना चाहते हैं,
मोटिवेशन का काम करते हैं, परिचय देना होगा। विकास चंद्र झा मनिहारी। इस तरह से जो बुजुर्गों का, या यह कहिए कि वह खुद अपने को बुजुर्ग नहीं मानते हैं, अभी वह युवा है। जिस तरह से अभिनेता देवानंद अपने को युवा समझते थे बुजुर्ग अवस्था में भी, तो मैं इन सबों का भविष्य के लिए नियमित प्रार्थना करता हूँ कि ये अपना क्रियाशील, अपनी सक्रियता को बरकरार रखें। जी, धन्यवाद।